जिलाधिकारी बॉडी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पर्यटन स्थल खिरसू में निर्माणाधीन होमस्टे बासा 2 का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक माह के भीतर सभी अवशेष निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश कार्यदायी विभाग को दिए हैं। खिरसू में जिला योजना से गढ़वाली शैली में पत्थरों पर नक्काशी कर बासा होमस्टे के बाद होमस्टे बासा 2 का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस होमस्टे के शुरू होने से यहां के बेरोजगार महिलाओं व युवाओं को रोजगार मिलेगा। होमस्टे निर्माण कार्य चल रहा है, पर्यटन विभाग के माध्यम से कार्यवाही हो रही है। इसमें होमस्टेज में एक बासा वन परियोजना है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय और भौतिक रूप से उसका पूर्ति किया जा चुका है। संचालन कार्य एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। जो दूसरा उसमें एक होमस्टे का निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया गया था जिला योजना के माध्यम से, उसमें 122 लाख की लागत थी, उसमें से 99 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है और सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कल हमने निरीक्षण करते हुए यहाँ पर जितना भी निर्माण कार्य था उसका जायजा लिया और वहाँ पे अभी फर्नीचर का और उसके उपरांत जो संचालन की व्यवस्था क्या रहेगी इसके लिए मैंने पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिया है कि उसको शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।